एक रात जब चांद सागर से नहीं निकला, तब मायशा और उसकी दोस्त उछली, एक उछलने वाली मछली ने उसको ढूंढने का जिम्मा उठाया। पर वो अंधेरी रात में गहरे सागर में रोशनी के बिना चांद को आखिर ढूंढेंगे कैसे? चलिए सुनते हैं कहानी जिस रात चांद गायब हो गया। ओरिजिनल स्टोरी द नाइट द मून वेंट मिसिंग बाय श्रेया यादव। हिंदी में अनुवाद किया है पूजा ओमवीर रावत और चित्र बनाए हैं सुनैना। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। स्टोरी सुना रही है आसावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.booksthatspeak.com। चलिए ढूंढते हैं चांद को। देर रात जब अम्मा और अच्चन घोड़े बेचकर सो रहे थे, तब मायशा अपने पानी में पहनने वाले चश्मे उठाती है और दबे पाव घर से बाहर भाग जाती है। रात के समय मायशा को समुद्र तट बहुत अच्छा लगता है और उसकी एक बड़ी अच्छी दोस्त समुद्र में ही रहती है। मायशा समुद्र तट पर उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो अपनी दोस्त से अक्सर मिलती है। मायशा जोर से आवाज लगाती है, उछली क्या तुम आसपास हो? वो यहां घंटों बैठकर उछली को करतब करते हुए देख सकती है। उछली एक उछलने वाली मछली है जो ऐसे करतब दिखाकर खूब इतराती है। पर आज उछली कुछ परेशान सी नजर आ रही है। क्या बात है? मायशा ने पूछा। क्यों इतनी उदास हो? क्या तुमने देखा नहीं? उसने कहा, चांद गायब है। चांद? अरे हाँ, उछली सही कह रही है, उनका दोस्त आज रात आसमान में नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि जहां चांद रोज होता है वहां एक बड़ा सा छेद दिख रहा है। पर हमने कल रात ही तो उसे देखा था, मायशा ने हैरानी से बोला। वो सागर से यही हमारे सामने ही तो निकला था, कहीं वो पानी के अंदर तो नहीं खो गया? हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा, उछली ने कहा। पर हम बिना चांद की रोशनी के अंधेरे में देखेंगे कैसे? मायशा ने पूछा। ठीक उसी वक्त उछली ने पानी में कुछ देखा। दूर सागर की उठती और गिरती लहरों में से उसे रोशनी की किरणें सी फूटती नजर आई, जो निकलती थी, बंद हो जाती थी और फिर निकलती थी। मायशा, उछली उत्साह से चिल्लाई, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। तुम फटाफट मेरी पीठ पर बैठो, हम उन लहरों की ओर चलते हैं। जब वो रोशनी तक पहुंचे, मायशा ने अपने पानी में पहने जाने वाले चश्मे लगा लिए, सांस थामी, उछली को जोर से पकड़ा और मायशा हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो तारों भरे आसमान में तैर रही हो। उसके चारों तरफ बहुत ही छोटे छोटे जीव चमक रहे थे। वाव, ये सब कौन है? वो फुसफुसाई। ये प्लवक यानी प्लैंकटन है, शायद ये हमारी मदद कर पाए, सागर के अंदर अपनी रोशनी से हमें रास्ता दिखा सके, उछली ने कहा। क्या तुम हमें रोशनी दिखाओगे? चांद गायब हो गया है और हमें उसे ढूंढने के लिए रोशनी की जरूरत है, मायशा ने एक से पूछा। तुम्हारा काम मेरे अकेले की रोशनी से नहीं बनेगा, ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ेगी, उस नन्हे प्लवक ने कहा। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, शायद वे भी तुम्हारी मदद करना चाहे। जल्द ही छोटे छोटे जीव जंतुओं की चमकती हुई सेना मायशा और उछली के साथ आ जुड़ी। अब आखिर ये चांद गया कहाँ होगा? मायशा सोच में थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, एक गहरी आवाज ने मायशा को चौंका दिया। वो घूमी, एक जगमगाते हुए समुद्र फेनी यानी स्क्विड, इसके 8 लंबे से तंतु आसपास हिल रहे थे। उसका पूरा शरीर नियॉन की नीली रोशनी से चमक रहा था। थोड़ी ही देर पहले मैंने चांद को वहां उस तरफ जाते हुए देखा है,
पहले तो मायशा समुद्र फेनी के स्पर्श तंतुओं से डर गई, लेकिन उसे पता था कि जुगनू सी चमकती उसकी रोशनी उन्हें पानी में ठीक से देखने में मदद करेगी। चलो फिर रास्ता दिखाओ, मायशा ने जोर से कहा। जुगनू जैसे समुद्र फेनी ने अपने एक स्पर्श तंतु से मायशा की उंगली को लपेट लिया। चलो चले, ठीक से पकड़े रहना। फिर मायशा, उछली, चमकते हुए प्लवक और समुद्र फेनी सभी एक साथ तैरते हुए नीचे जाते हैं। नीचे, नीचे और नीचे। वहां पानी बहुत गहरा है और घुप अंधेरा है। प्लवक और ज्यादा चमकने लगते हैं और समुद्र फेनी भी अपनी रोशनी चमकाता है, लेकिन चंद्रमा दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं है उसका। फिर वो एक एंगलर मछली से मिलते हैं जो शिकार करने निकली है। उसके दांत बहुत बड़े हैं, पर मायशा को अब डर नहीं लग रहा। हम चांद को ढूंढ रहे हैं, क्या तुमने उसे कहीं देखा है, मायशा ने उससे पूछा। हाँ, एंगलर मछली बोली, कुछ घंटों पहले ही की बात है, मैंने उसे कुछ मूनफिश मछलियों के साथ तैरते हुए देखा था। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। एंगलर मछली आगे आगे और मायशा, उछली, समुद्र फेनी और प्लवक सब उसके पीछे पीछे। एंगलर मछली की नीली रोशनी मंत्रमुग्ध करने वाली थी। समुद्री जीवों की रोशनी किसी स्पॉटलाइट की तरह सागर के गहरे काले तल पर पड़ रही थी। अचानक मायशा को चट्टान के नीचे कुछ सफेद सा नजर आया। अरे, ये तो चांद है, मदद करो, चांद धीमी आवाज में चिल्लाया। मैं फंस गया हूं। समुद्र फेनी अपने स्पर्श तंतुओं से चट्टान को हटाता है और फीका सा चंद्रमा फिसल कर बाहर निकल आता है। हुर्रे, सभी खुशी से चिल्लाते हैं। क्या हुआ था, उछली ने चांद से पूछा। मैं यहां अपनी चचेरी बहनों से मिलने आया था, वही मूनफिश मछलियों से, चांद ने कहा, पर घर वापस जाते हुए मेरी रोशनी हल्की पड़ गई, फिर मैं इस चट्टान के नीचे फंस गया। आप लोग मुझे ढूंढने यहां तक आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप आकाश में नहीं होते तब आप यहां होते हैं, मायशा ने कहा। चंद्रमा मुस्कुराता है और पानी की सतह की तरफ तैरने लगता है और फिर कूद कर आसमान में चला जाता है। उछली और मायशा अपने नए दोस्तों से विदा लेते हैं। फिर वो चांद की सफेद रोशनी में तैर कर समुद्र किनारे वापस पहुंच जाते हैं। समुद्र के अंदर के सितारे रात भर चमकते रहते हैं। बच्चों, कहानी यहां खत्म हो गई। अभी मिलते हैं प्रकाश निर्माताओं से। क्या आपको पता है कि बहुत सारे जमीन पर रहने वाले और समुद्र के जीव जंतु अपने ही शरीर से रोशनी बना सकते हैं? जिन छोटे प्लवक यानी प्लैंकटन से मायशा और उछली मिलते हैं, वो दूसरे जीव जंतुओं को डराने के लिए चमकते हैं। इससे वो उनका भोजन बनने से बच जाते हैं। पानी में आहट होते ही प्लवक अपने शरीर से तेज चिंगारी जैसी रोशनी निकलकर चेतावनी देते हैं। कभी कभी नावों और लहरों की आहट से भी ये ऐसा करते हैं। प्लवक के अंदर एक रासायनिक पदार्थ होता है जो उन्हें चमकने में सहायता करता है, जबकि जुगनू जैसे समुद्र फेनी के शरीर में रोशनी पैदा करने वाले विशेष अंग होते हैं जिन्हें फोटोफोर्स कहते हैं। फायरफ्लाई स्क्विड के शरीर पर हजारों फोटोफोर्स होते हैं जिन्हें ये शिकार को आकर्षित करने, अपने संगियों को प्रभावित करने या फिर हिंसक जंतुओं को भ्रमित करने के काम में लाते हैं। एंगलर मछली के सर से आगे झूलने वाले तंतु की आकर्षक रोशनी उस चमकने वाले सूक्ष्म जीवी यानी बैक्टीरिया से आती है जो उसमें वास करते हैं। भूमि पर रहने वाले बहुत से पौधे और जीव जंतु भी चमकते हैं, जैसे कई प्रकार के जुगनू, कई प्रकार के कुकुरमुत्ते, और हम और आप भी हर दिन बहुत हल्की सी रोशनी बनाते हैं। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ, तो चलो मेरे साथ
www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।